कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस एक ऐसी सेगमेंट जिसमें काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे टोयोटा ने ग्लोबली अनवील कर दी है अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जितनी भी फीचर्स है, जैसी दिखती है, वो सब कुछ इंडियन कार मार्केट के लिए सबसे बेस्ट है, और यहाँ पे टोयोटा के लिए एक ट्रम्प कार्ड है। तो बात करते हैं आज इसी ट्रम्प कार्ड के बारे में, टोयोटा की जो राइज, होपफुली इसका नेम रखा जाएगा, और यहाँ पे जो पुराना इसका जो नाम है वो टोयोटा की डाइहात्सु, पुराना मीन्स इसकी जो सब्सिडियरी ब्रांड है टोयोटा की वो डाइहात्सु है। तो डाइहात्सु की जो रॉकी एसयूवी है वही है मेनली टोयोटा की नई ट्रम्प कार्ड इंडियन कार मार्केट के लिए। तो यहाँ पे जो डाइहात्सु की जो सबफोमीटर एसयूवी है वो है कि यहाँ पे आपको पहली बात तो ये एसयूवी अंडर 4 मीटर्स है, फॉरेन में कोई अंडर 4 मीटर्स एसयूवी लॉन्च करना मतलब कि स्पेशली इंडियन मार्केट्स की भी यहाँ पे ध्यान रखी जाती है, जो कि इसकी मेजरिंग है 3995 मिलीमीटर्स की, जो कि बाकी जितनी भी एसयूवी सेल होते हैं उतनी ही रेंज में आती है। दिखने में काफ़ी डॉन्टिंग है एसयूवी, स्ट्रेट्स है इसमें, बॉक्सी स्टाइलिंग दी गई है, फ्लैट बोनेट, यहाँ पे बड़ी हेडलैम्प्स, LED DRLs वगैरह सब कुछ दी गई है, पीछे भी LED टेल लैम्प्स हैं, मतलब कि प्रीमियमनेस तो इसमें है ही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अच्छी फैसिनेटिंग अलॉय व्हील्स मिल जाती है, तो ओवरऑल लुक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस है उसमें काफ़ी हद तक हमारे इस इंडियन कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में काफ़ी हद तक बैठ जाएगी। फिर अंदर चलते हैं, तो अंदर आपको थोड़ी बहुत मिसमैच ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, कहीं पे ये कलर ऑफ टेक्सचर, कहीं पे वो कलर ऑफ टेक्सचर, थोड़ी सी बिजी इंटीरियर है, लेकिन फिर भी ये टोयोटा की ऑलवेज ट्रेड रहती है टोयोटा की हर एक कार पे, कि ये जो है मेनली थोड़ी सी मिसमैच ऑफ इंटीरियर्स रहते हैं, फिर भी अच्छी क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स रहती है, तो वही आप उम्मीद लगाइए यहाँ पे। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखते हुए मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की उम्मीद रखनी चाहिए। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर भी दिखते हुए मिल जाता है, अब वो क्लस्टर कितना हद तक इंडिया में आएगा वो अभी देखने हमें नहीं मिला है, इंडिया में कोई कन्फर्मेशन अभी तक इसके बारे में आया नहीं है। बाकी और भी फीचर्स के मामले में आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब मिल जाएंगे, बेसिक जितनी भी फीचर्स है वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सनरूफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हमें समय ही बताएगा, अभी कोई किस पे कमेंट्स करना थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दबाजी होगी। फिर अंदर इंजन पे चलते हैं, देखिए इंजन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन की गई है फॉर फॉरेन मार्केट्स, यहाँ पे एक 1 लीटर की इंजन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि इसकी जो वेट है 980 kgs, जो कि काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई, ये जो डाइहात्सु का ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूज़ की जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वेट बहुत अच्छे से मैनेज की गई है, तो 980 kgs ऑफ वेट में 1 लीटर की इंजन अच्छी परफॉर्म कर जाएगी, मतलब उतना इंटरेस्टिंग पावर तो नहीं होगा लेकिन जितनी पावर एक रेनॉल्ट ट्राइबर डिलीवर करती है उतनी तो पावर अच्छे से डिलीवर कर देगी यहाँ पे डाइहात्सु की ये नई जो सेटअप है, अच्छे से पावर डिलीवर करेगी। लेकिन यहाँ पे छोटी सी ट्विस्ट है, अंत में मैं बताऊँगा, अंत तक इसीलिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। फिर अंत में हम बात करते हैं इंजन के बाद कि इसकी क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस जो है ये ओनली एंड ओनली आएगी तो पेट्रोल ऑप्शन ही रहेगी, क्योंकि टोयोटा का अप्रोच हमने देखा है ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में, वो पेट्रोल पे ही ज़्यादा फोकस करेगी अभी, तो वो पेट्रोल ओनली ही आएगी। और इसकी ओवरऑल देखते हुए हम ऐसी प्राइसिंग लगा सकते हैं कि 5.5 to 6 lakh के आसपास से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी, 6 lakh के आसपास से आप उम्मीद कर सकते हैं, और 8 lakh रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग जाएगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज आफ्टर ऑल प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट है, देखिए जो डायमेंशंस वगैरह है अभी हमें शोकेस होते हुए दिखी है, वो डायमेंशंस आपको मैं ऑलरेडी पीछे भी दिखा दिया है, वो डायमेंशंस बहुत हद तक हुंडई वेन्यू के साथ मैच होती है, मतलब कि ब्रेजा जितनी स्पेस इसमें नहीं होगी, तो इसीलिए टोयोटा की जो जॉइंट वेंचर है मारुति सुजुकी के साथ, उसके साथ भी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आने के पूरी पूरी चांसेस है, क्योंकि इस नए जो पार्टनरशिप हुई है, जो जॉइंट वेंचर हुआ है मारुति सुजुकी के साथ, उसमें टोयोटा को जो है मारुति सुजुकी ब्रेजा के ऊपर भी एक ऑप्शन मिल गया है, उनकी जो ब्रेजा है उन पे भी एक ऑप्शन है। और यहाँ पे जब ये कार डेवलप हो रही थी 2017 में, तब मारुति सुजुकी के साथ उनका कुछ ऑप्शन था नहीं, तो इसीलिए हो सकता है तब उस पॉइंट पे इंडियन मार्केट्स भी फोकस पे रही हो, लेकिन अभी जो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा ऑन फोकस रहेगी, तो ब्रेजा की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक इस डायहात्सु रॉकी जो है
है, मतलब ये जो भी टोयोटा राइज है उससे काफी हद तक मैच होती है। तो यहाँ पे जो टोयोटा राइज है उसी की ही डिजाइन इनकॉर्पोरेट की जाएगी, डिजाइन ट्रेड्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि काफी हद तक स्टाइलिंग सेम है, थोड़ी बहुत एलिमेंट चेंजेस है, दोनों ही अपराइट डिजाइन में आती है तो काफी हद तक दोनों की सेम है। और वही सेम मारुति सुजुकी की ऑफकोर्स इंजन उठाएंगे, क्योंकि बाहर से वो इंजन लाने नहीं वाले, वही 1.2 लीटर की इंजन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन के साथ फिर से इंडियन मार्केट्स में एक नई अच्छी अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देगी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। मोस्ट प्रोबेबली ये जो रहेगा ब्रेजा से थोड़ी सी आसपास की पोजीशनिंग में लॉन्च की जाएगी। 6.5 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस है फेस लेफ्ट एंड मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा पेट्रोल का, और होपफुली उसी के आसपास ही टोयोटा भी इसको प्राइसिंग करेंगे। 6 to 6.5 lakhs विल बी द स्टार्टिंग प्राइस। ये कार काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, आप भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या आपको ये नई टोयोटा राइज जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उससे क्या क्या उम्मीद रखते हैं, क्या टोयोटा सही डिसीजन लेगी, क्या टोयोटा को बाहर से राइज एसयूवी इंपोर्ट करवाना चाहिए या मैन्युफैक्चर इंडिया में करना चाहिए, या विटारा ब्रेजा को ही यूज़ करके उस पर ही एक टोयोटा राइज बनानी चाहिए। ज़रूर से ज़रूर आपकी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए भी, बाकी डिफरेंट व्यूअर्स के लिए भी। जरूर जरूर नीचे अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।